अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप YouTube चैनल देख रहे हैं माइक्रोब्स लवर, जिनमें हम ये डिस्कस करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किया जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रॉ मटेरियल सैम्पलिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है और कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स हैं। सैम्पलिंग मेथड्स, तीन सैम्पलिंग मेथड्स हैं। नंबर वन, रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पल चूजन रैंडमली फॉर अनबाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। सेकंड टाइप है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सैम्पल सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन। थर्ड टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इस टाइप में क्या किया जाता है कि सैंपल्स को सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर सब ग्रुप में से फिर सैंपल कलेक्ट किया जाता है। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप। अब सैंपलिंग प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिंग एंड टेस्टिंग, केयरफुल कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स, इसलिए ताकि टू इंश्योर करें इंटीग्रिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग। एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग इक्विपमेंट यूज्ड, जो सैम्पलिंग करने के लिए हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि मिनिमाइज किया जा सके कंटामिनेशन को। सैम्पल्स मस्ट बी लेबल्ड विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लेबलिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमें ट्रेसबिलिटी फाइंड आउट करने में आसानी हो। इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन, टेस्टिंग प्रोसीजर्स कंडक्टेड एज पर प्रोटोकॉल एंड स्पेसिफिकेशंस टू असेस क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। सेकंड वन फेज आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल, अ वाइटल प्रोसेस टू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी। नंबर वन सैंपल साइज, सैंपल साइज शुड बी एडिक्वेट फॉर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बैलेंस रिस्क एंड एफिशिएंसी। थर्ड वन आ जाता है ट्रेनिंग, पर्सनल शुड बी वेल ट्रेन्ड इन सैम्पलिंग प्रोसीजर्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो कंक्लूजन क्या है इसका सैम्पलिंग का, रॉ मटेरियल सैम्पलिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का? अगर हम कंक्लूड करें तो एक लाइन के अंदर वो क्या है कि इफ़ेक्टिव सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज़ अ कॉर्नरस्टोन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, के रॉ मटेरियल की जो सैम्पलिंग है वो इफ़ेक्टिव सैम्पलिंग एक क्या है, कॉर्नरस्टोन है ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग कैसे की जाती है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।